मिशन में कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि जब आप जुड़ते हैं तो कामयाबी तो मिलती है। मेरा आपका सौभाग्य है कि इस मिशन में हमारा व्यक्तित्व मिला है, वो व्यक्ति हमारे बीच में आ गए। सर हमारे बीच में है, आप वैसे मैं तो सभी लोग पहचानते होंगे, विजय प्रकाश सर एक बहुत बड़े स्तंभ है बिहारी शिक्षा के, और आपके व्यक्तित्व में हम लोगों ने फॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन हायर एजुकेशन सब में ही काम किया है, और ये जो पूरा प्रोग्राम है ये सर के नेतृत्व में चला है, और हमने कोशिश ही की है कि फिर हम लोग जुड़े हैं, जुड़कर काम करें, और बच्चों में जो एक क्षति हमेशा उनके अधिकार में होती है उसकी सेना में भरपाई कर सकें, जैसे हम लोग और इसके लिए आपके साथ हम लोगों ने अपने शिक्षा सेवी साथियों को जोड़ा है। सर ये हम लोग का अंतिम बैच है, और 500 या 3 या 4 हमारे लोग शायद ट्रेन हो जाएंगे। हमारा प्रयास ये था कि जैसे सर के साथ हमने रणनीति बनाई थी बैठक में कि हर प्रखंड से हमारा एक साथी हो, तो करीब 300 हमारे साथी ऐसे हैं जो मास एजुकेशन से जुड़े हुए थे, वो के आर पी हैं, एस आर पी हैं, इस तरह के लोग हैं, और बाकी जो थे वो हमने अपने उन साथियों को जोड़ा था जो आपके स्वरूप में है, जो कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी ग्रुप से जुड़े रहे हैं, जो प्रसन्न रहे हैं, जो आर सी सी आर सी में रहे हैं, या अन्य किसी प्रोग्राम से हमारे साथ जुड़े रहे हैं, जिसका अपने बहुत ही साक्षम ग्रुप हमारे पास है, और आपका पहला दिन है, आपसे बात करते रहेंगे। ये जो आप समाधि देख रहे हैं ये आपके साथ मिलकर हमने बनाई है, ये क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए बनी है, और ये 3-3 महीने का एक सेट है जिसमें 30 दिन का एक पूरा हमने वर्कशीट तैयार किया है। इसको तैयार करने में हमारी सोच ये थी कि जो कोविड पीरियड में बच्चों का लर्निंग लॉस हो रहा है उसकी कैसे भरपाई होगी, और उसके साथ आगे हम कैसे अपने वर्कबुक और टेक्स्टबुक को सम्मानित करते हुए आगे चल सकेंगे। वो पीरियड निकल चुका है, भगवान नहीं करे कभी ऐसा पीरियड आए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हुआ था हमारा विद्यालय हुआ था, और हमको अपने विद्यालय के करेक्टर का एहसास हुआ था कि विद्यालय कितना महत्वपूर्ण हम सबके लिए है। मुझे याद है वो एकदम लोग कितने विचलित थे, और पहले दिन जब विद्यालय खुला था तो आप लोग के मैंने किस तरह का अपने प्रवेश उत्सव मनाए थे, वो दिन भी शायद बहुत ही हम लोग को मोटिवेट करता है। तो इसके साथ साथ भी ये होता है कि हम हमेशा देखें, कभी इलेक्शन को लेकर, कभी किसी तरह की अन्य कारण को लेकर तो आप लगे रहते हैं, विद्यालय बंद रहते हैं, फिर सर्दी पड़ती है, गर्मी पड़ती है, वर्षा होती है, ये सब काम होते रहते हैं। तो हम एक ऐसा रणनीति तैयार करना चाहते हैं जिसमें बच्चों पर उसका प्रभाव भी पड़े, तो हम लोग इस पर आपका डिस्कशन करेंगे। आप सब लोग हमारे ट्रेनर रहे हैं, तो हमने इस तरह से कुछ इस मॉड्यूल की रचना की है, इसमें पहले हमारे चारों विषयों को हम समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद में इस हम अभ्यास करेंगे कि इस मॉड्यूल के साथ जो हमारी क्षतिपूर्ति होती है उसकी क्षतिपूर्ति कैसे करेंगे, जो हमारा मर्जी पास होता है। मैं सर से आग्रह करूँगा कि सर आयोजन हमको देंगे, और सर का हमेशा नेतृत्व, सर का मार्गदर्शन हमारे शिक्षक को मिलता रहेगा, ऐसी कामना है सर से मिला करेंगे।